बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है। मंत्री को अचानक जयपुर बुलाया गया है। कैबिनेट ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जयपुर रवाना हुए हैं। हालांकि मंगलवार को सुबह 8 बजे जाने का उनका कार्यक्रम था, लेकिन कल शाम पहुंचे मंत्री कल्ला आज सुबह ही जयपुर के लिए रवाना हुए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले मंगलवार को सुबह 8 बजे जाने का कार्यक्रम रखा गया था उनका, लेकिन कल शाम में ही पहुंचे थे कल्ला और आज सुबह जयपुर के लिए फिर से रवाना हो गए हैं। मंत्री को अचानक जयपुर बुलाया गया है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बीडी कल्ला को जयपुर तलब किया गया है और वो जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त जैसा जानकारी जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक आज तमाम विधायक और जो मंत्री हैं एक के बाद एक आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। और इसी दौरान जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मंत्री बीडी कल्ला को आज जयपुर बुलाया गया है। बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालांकि उनका मंगलवार सुबह 8 बजे जाने का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन उन्हें आनन-फानन में इस वक्त बुलाया गया है बीडी कल्ला को। वजह क्या कुछ है इस वक्त कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत से मुलाकातों का सिलसिला विधायक और मंत्रियों का जारी है उसको देखते हुए यही लगता है कि अशोक गहलोत इस पूरे अस्थिर माहौल में टटोल लेना चाहते हैं माहौल को, और जितने भी मंत्री और विधायक हैं उनको एकजुट करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। रौनक व्यास हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। रौनक, मंगलवार को जाना था आनन फनन में, आज ही निकलना पड़ रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, कल देर शाम जो है बीडी कल्ला बीकानेर पहुंचे, यहाँ पर अपने परिवार के शोक संदेश जो मिला था उन्हें उनके कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे थे, और उसके बाद कल शाम हमारी मुलाकात भी हुई और कई कार्यक्रमों का आज होना तय था, लेकिन आज सुबह जिस तरह की जानकारी है अचानक से, वो मंगलवार को जाने वाले थे लेकिन आज सुबह ही रवाना हो गए। हालांकि जिस तरह से सियासत गरमाई हुई है, कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्या उसको लेकर के सीएमओ से उन्हें कॉल आया है, किस तरह की बात है, पार्टी को लेकर कोई बात है, कई तरह के कयास इस अचानक उनके जयपुर जाने को लेकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि वो रवाना हो चुके हैं जयपुर के लिए, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह की बात ये है कि जो मंगलवार को उनको जाना था वो आज ही वो जयपुर के लिए रवाना हो गए। जी अभी तक रौनक, अगर बीडी कल्ला की बात करें तो विश्वसनीय चेहरों में शुमार किए जाते हैं, क्या यही वजह है कि कल ही लौट कर आए और आज वापस उन्हें बुलाया गया, क्योंकि स्थितियां जो राजधानी में हैं वो अस्थिर बनी हुई है और अशोक गहलोत को इस वक्त एकजुटता दिखाने और एकजुट होने की जरूरत आन पड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए बीडी कल्ला की बात करूं, वरिष्ठ नेताओं में से सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से एक कांग्रेस पार्टी में अगर बात करें, राजीव गांधी के वक्त से उनका जो है पार्टी में दबदबा रहा है, और आज जिस तरह से देखिए कि बुलावा आया है तो ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से एकजुट करने की बात है, विधायकों और मंत्रियों को जयपुर में तलब किया गया है, बुलवाया गया है, उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखा जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी के लिए। चलिए।